Hello people, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today I am going to discuss a very important work of Girish Karnad, that is Yayati. Yayati is the first play of him and he wrote a lot of plays included Hayabadan, Nag Mandala, Tughlaq, etc. And this is my second video in which I am going to discuss Girish Karnad. He is one of the most favorite of my playwright and this play's theme is taken from Mahabharata's part Adi Parva. And today in this video, I will tell you about that the techniques and themes of Girish Karnad, which is taken from the myth and folktale also. The Fire and the Rain I have discussed in my video in detail, so you can visit my channel for this video. And Girish Karnad is a most important playwright and he also acted in the movies also like Ek Tha Tiger and Tiger Zinda Hai. And apart from this, he also got a lot of prize including Padam Shri, Padam Bhushan and Gyanpeeth Award also. So without wasting the time, I would like to start the story. But before starting the video, I would like to say you that if till now you did not subscribe my channel, please like and subscribe and share my channel to those friends who are going to prepare for UGC NET English Literature or the other exams, so that they can get help from this video. And other videos are also too much very important for you. Because nowadays I am going to covering all the important aspects of UGC NET English Literature which are included in the last year's exams, or maybe they can ask the question for the upcoming exam. So now I am going to start the video, but just you go and subscribe my channel. So these are the characters Yayati, Devyani, Sarmishtha. ये जो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, ये उस मिथ के कैरेक्टर्स हैं जो कि मिथ महाभारत के पार्ट में दिया गया है। बट जो गिरीश कर्नाड ने अपने प्ले ययाति में बताए हैं कैरेक्टर, वो इससे थोड़ा सा अलग है। गिरीश कर्नाड ने कुछ कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया है लाइक स्वर्णलता देन चित्रलेखा। ये दोनों कैरेक्टर्स को गिरीश कर्नाड ने इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे जो इसकी स्टोरी है, इस मिथ की मैं स्टोरी बता दूँ आपको। इसमें जो ययाति है वो किंग होता है एंजेस्टर ऑफ पांडवास एंड उसकी शादी होती है देवयानी से। देवयानी जो कि असुर के गुरु होते हैं शुक्राचार्य, उनकी बेटी होती है देवयानी। और सरमिष्ठा ये भी एक प्रिंसेस होती है, ये डॉटर होती है वृषपर्वा की। लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी है वो ये है कि सरमिष्ठा है एक बार लेक में नहाने जाती है और वहीं पे देवयानी भी जाती है। तो ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग देवयानी और सरमिष्ठा के कपड़े एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से देवयानी, जिसको कि ये बहुत ही ज्यादा प्राइड था कि वो एक ऐसे गुरु की लड़की है जिसको सभी लोग बहुत मानते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होती है। तो यहाँ पे वो शर्मिष्ठा से इस बात में बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों चेंज कर लिए, जिसकी वजह से शर्मिष्ठा गुस्से में देवयानी को एक कुएं में फेंक देती है। और कुछ टाइम के बाद वहां पे ययाति आता है और वो देवयानी को वहां से रेस्क्यू कर लेता है। देवयानी को रेस्क्यू करने के बाद एक दूसरे को वो लोग प्यार करने लगते हैं और शुक्राचार्य की परमिशन के बाद यहाँ पे ययाति और देवयानी की शादी हो जाती है। लेकिन देवयानी इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है कि सरमिष्ठा की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मुझे कुएं में फेंक दिया, जिसकी वजह से वो रिवेंज लेना चाहती है। और सरमिष्ठा के फादर ये जानते हैं कि जब तक शुक्राचार्य की कृपा नहीं होगी, उनकी ग्रेस नहीं होगी, सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं है। तो वो सरमिष्ठा को एज अ स्लेव, किसका स्लेव, देवयानी का स्लेव बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सरमिष्ठा भी देवयानी की स्लेव बन जाती है क्योंकि वो अपने किंगडम को बचाना चाहती थी। अब इसके बाद
शर्मिष्ठा और देवयानी साथ में रहते हैं, शर्मिष्ठा एज अ स्लेव रह रही है वहां पे। जब देवयानी की शादी ययाति से हो जाती है तो शुक्राचार्य ययाति से बोलते हैं कि आपको शर्मिष्ठा को भी अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि वो देवयानी की स्लेव भी है और एक प्रिंसेस की तरह भी है, लेकिन तुम्हें उसके साथ अपना बेड शेयर कभी भी नहीं करना है। दिस इज माय हार्ड एंड फास्ट ऑर्डर फॉर यू। यहाँ पे ययाति इस चीज के लिए हाँ बोल देता है। ये लोग वापस चले जाते हैं, ययाति अपने यहाँ लेके जाता है इन लोगों को। देवयानी के यहाँ पे दो बेटे होते हैं जिसका नाम होता है यदु एंड तर्वशु। यहाँ पे शर्मिष्ठा जो कि बार बार अप्रोच कर रही है ययाति को कि आई वॉन्ट अ बेबी, बार बार बहुत ज्यादा अप्रोच करने के बाद फाइनली उसको कन्विंस कर लेती है और यहाँ पे शर्मिष्ठा ययाति से प्रेग्नेंट हो जाती है और इसको यहाँ पे 3 बेबीज होते हैं, ध्रुव, अनु एंड पुरु। यहाँ पे इसके ये दो बेटे हो, 3 बेटे होते हैं इसके। जब ये चीज देवयानी को पता चलती है कि ययाति ने उसके साथ बिट्रेयल किया है, धोखा किया है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अपने फादर के पास, शुक्राचार्य के पास जाती है। इस टाइम पे जब वो एक शंभु श्राइन में रेस्ट कर रहे होते हैं तो वो वहां पे अपने फादर को सारी चीजें बताती है, तो उसके फादर शुक्राचार्य ययाति को एक कर्ज देते हैं किसका, प्रीमैच्योर ओल्ड एज का, और वो उसी रात को हो जाना था। और उसके बाद ययाति पे वो कर्ज से काम करता है और ययाति को क्या होता है, प्रीमैच्योर ओल्ड एज आ जाती है उसको। अब ययाति इस चीज से यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन इसका एक ऑप्शन शुक्राचार्य ने ये भी बताया था कि अगर कोई और यंग एज का कोई बॉय चाहे तो वो तुम्हारी ओल्ड एज ले सकता है और अपना यूथ तुम्हें दे सकता है। ययाति ने बहुत सारे लोगों से एक्सपेक्टेशन की कि शायद कोई अपनी यूथ उसको दे दे और उसकी ओल्ड एज ले ले, पर नोबडी विल एग्री फॉर दैट। अब उसके बाद यहाँ पे जो उसका बेटा होता है, यंगर बेटा पुरु होता है, वो क्या करता है कि वो अपने फादर की ओल्ड एज को ले लेता है और अपनी यंग एज ययाति को दे देता है। आफ्टर 1000 ऑफ इयर्स उसको ये रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो वापस पुरु का यूथ उसको वापस कर देता है। अब ये तो था मिथ जो कि महाभारत के पार्ट से लिया गया है। स्टोरी इज सेम बट समथिंग इज डिफरेंट इन द वर्क ऑफ ययाति। आप देखते हैं इसमें जो ययाति है, ययाति इसमें किंग होता है और किंग होने के बाद यहाँ पे इसकी शादी देवयानी से हुई है, लेकिन यहाँ पे शर्मिष्ठा के साथ ययाति की शादी हो जाती है, बट यहाँ पे शर्मिष्ठा की शादी ययाति के साथ नहीं होगी, बट शर्मिष्ठा एज अ स्लेव बन के रह रही है यहाँ पे। और अब जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे देवयानी है वो अपनी ही अटेंडेंट के साथ, स्वर्णलता के साथ बातें कर रही है। स्वर्णलता यहाँ पे देवयानी की अटेंडेंट होती है। स्वर्णलता और ये लोग बातें कर रहे हैं शर्मिष्ठा के बिहेवियर के बारे में कि इसका बिहेवियर किस तरीके का है। उतने में ही इन लोगों की बात डिस्टर्ब हो जाती है और यहाँ पे ययाति आ जाता है और ययाति भी बात करने लगता है। उसके जस्ट बाद शर्मिष्ठा की एंट्री होती है। जब शर्मिष्ठा की एंट्री हो रही है तो ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्लेम लगाती है कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार देवयानी है। सबको ये तो पता है कि मैंने देवयानी को एक बार कुएं में फेंक दिया था, उसके बाद ययाति ने उसको बचाया, उससे शादी की, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैंने किस तरीके से चाइल्डहुड से ही इसकी सर्विस की है देवयानी की। मैं तो एक राक्षस फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा स्लेव रहना पड़ रहा है। इस चीज को ब्लेम करती रहती है जिससे ययाति और देवयानी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ पे शर्मिष्ठा बोलती है कि ये बेटर है कि मैं मर जाऊं, तो वो क्या करती है, पॉइजन पीने की कोशिश करती है, और इतना सा ब्लेम करने के बाद, और इसको पॉइजन पीने से यहाँ पे ययाति रोक देता है कि तुम्हें पॉइजन नहीं पीना है, तो शर्मिष्ठा यहाँ से पॉइजन रख के यहाँ से चली जाती है।
अब ये दिखाते हैं कि यहाँ पे पुरु वापस आ रहा है और उसने शादी कर ली है चित्रलेखा से। चित्रलेखा जो कि एक अंगद सोसाइटी की लड़की होती है उससे इसकी शादी हो जाती है और ये वापस आ रहा है। जो गुरु है वो लॉन्ग एब्सेंस के बाद वापस आ रहा है क्योंकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने गया था और बहुत टाइम से इस पैलेस से दूर था। अब वो यहाँ पे वापस आ चुका है। पुरु जो कि यहाँ पे देवयानी और ययाति का सन होता है, यहाँ पे पुरु सनिष्ठा का सन होता है, लेकिन ये मिथ था। ये जो एग्जैक्टली है ये ग्रीष कर्नाड के प्ले के ही कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे ययाति और देवयानी का सन होता है, उसकी शादी हो गई है चित्रलेखा से। अब स्टोरी स्टार्ट होती है तो पता चलता है कि ये सारी चीजें हो चुकी है और अब जो शर्मिष्ठा है वो बार बार क्या कर रही है, ययाति को अप्रोच कर रही है किसके लिए, फॉर सेक्सुअल डेवलपमेंट, फॉर सेक्सुअल रिलेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे ययाति बिल्कुल भी अग्री नहीं होता है तो शर्मिष्ठा उसको बहुत कई तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम राजा हो, एज अ रूलर मैं तुमको ये मांग रही हूँ कि मुझे एक तो फिजिकल रिलेशन डेवलप करना है, मतलब एनी हाउ बाय हुक और बाय क्रूक शी कन्विंसेस हिम। उसके बाद यहाँ पे लेकिन जो एग्जैक्टली इसका शर्मिष्ठा का पर्पस था वो ये था कि वो देवयानी से रिवेंज लेना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने ययाति को यहाँ पे अप्रोच किया, कन्विंस किया। अब यहाँ पे जो ययाति होता है ये इसकी बातों में आ जाता है एंड दे बोथ डेवलप फिजिकल रिलेशनशिप विद ईच अदर। देन अब जब ये बात स्वयं उसको पता चलती है, देवयानी को ये बात पता चलती है तो देवयानी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है ययाति से। वो अपना पेंडेंट गले से निकाल कर फेंक देती है। पेंडेंट यहाँ पे मतलब उसकी शादी का एक मंगल सूत्र जो कि इसको सिंबलाइज किया गया है शादी के रिलेशन से, वो अपना पेंडेंट यहाँ पे फेंक देती है और गुस्से में यहाँ से निकल के वो अपने फादर शुक्राचार्य के पास चली जाती है और उनको ज्वाइन कर लेती है। अब वहां पे उनको ज्वाइन करने के बाद शुक्राचार्य को सारी चीजें बताती है जिससे शुक्राचार्य बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वो ययाति को कर्ज दे देते हैं। किस चीज का श्राप दे देते हैं, प्रीमैच्योर ओल्ड एज का कर्ज दे देते हैं। जब ये बात यहाँ पे ययाति को पता चलती है तो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि वो क्या करे क्या ना करे। तो शर्मिष्ठा बोलती है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं और जंगल में रहते हैं और मैं ये आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपका पूरा इस चीज में साथ दूंगी, हम लोग अकेले ही रहेंगे। तो यहाँ पे ययाति बोलता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज आई कैन नॉट लिव विदाउट माई कर्टियर्स माई मिनिस्टर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, आई कैन नॉट, it is impossible for me। अब यहाँ पे ययाति इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है तो अपने सन पुरु को यहाँ पे पुरु को भेजता है शुक्राचार्य को कन्विंस करने के लिए कि वो अपना श्राप वापस ले ले। लेकिन वहां पे शुक्राचार्य अपना श्राप वापस नहीं लेते हैं, बट यहाँ पे वो एक ऑप्शन बताते हैं इस चीज का कि अगर ययाति को अपनी प्री मेच्योर ओल्ड एज से बचना है तो वो इसको चेंज कर सकता है। मतलब एक जो यंग पर्सन है वो उससे उसकी यंग एज ले ले, उसका यूथ ले ले और अपनी प्री मेच्योर एज को वापस दे दे। तो इस चीज के लिए जब ययाति अग्री हो जाता है तो उसको ये एक्सपेक्टेशन थी कि इस चीज के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे और लोग मेरा काम कर देंगे, बट एटलीस्ट ये समझ आता है कि इस चीज के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है, सबको अपनी ही जान प्यारी है और सब अपने ही बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ पे जो उसका बेटा गुरु होता है, यहाँ पे गुरु तैयार हो जाता है और वो अपने फादर को अपना यूथ दे देता है और उनकी प्री मेच्योर ओल्ड एज वापस ले लेता है। अब ययाति यहाँ पे पहले की तरह यंग हो गया है और यहाँ पे पुरु क्या हो गया, ओल्ड हो गया है। ये बात स्वर्णलता आके बताती है चित्रलेखा को, तो चित्रलेखा को इस बात का बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। अचानक से ये पता चलता है कि यहाँ पे पुरु वापस आ रहा है उसके रूम में,
तो जब गुरु वापस आता है तो चित्रलेखा एक लैंप उठाती है और उस लैंप से गुरु का फेस देखती है, तो वो डर की वजह से चीखने लगती है, एकदम इतना डर जाती है। और उसकी आवाज सुन के ही वहां पे शर्मिष्ठा भी बाद में आती है। इसकी आवाज सुन के वहां पे ययाति आ जाता है और ययाति उसको समझाता है कि तुम एक इंटेलिजेंट वुमेन हो, तुमको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। अब ये बात जैसे ही चित्रलेखा ने सुनी, चित्रलेखा तो हाइपर हो गई और उसने ययाति को यहाँ पे बहुत कुछ सुनाया। उसने कहा कि आपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिश के लिए, अपने प्लेजर के लिए आपने अपने ही बेटे को फ्यूनरल में झोंक दिया है, ऐसा क्या है? उसकी बातें सुनकर ययाति को ये रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे चित्रलेखा को वहीं पे एक पेंडेंट मिलता है, वो पेंडेंट जो कि जब देवयानी यहाँ से ययाति को छोड़कर जा रही थी तो उसने अपने गले से निकाल के फेंक दिया था। तो वो पेंडेंट उठाती है और वो समझ जाती है कि ये देवयानी का पेंडेंट है। और वहीं पे वो पॉइजन भी रखा होता है जो कि शर्मिष्ठा पीने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पे चित्रलेखा वो पॉइजन पी लेती है और वो वहां पे बेहोश हो जाती है, मतलब शी फाइनली डाइड। उसकी आवाज सुन के यहाँ पे शर्मिष्ठा आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाती है, बहुत ही ज्यादा ये चीज देख के। अब उसके बाद ययाति को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब लगता है जब वो चित्रलेखा की डेड बॉडी को देखता है। जब चित्रलेखा की डेथ हो चुकी है, अब ययाति को फाइनली ये रियलाइज हो गया है कि आई डिड अ ब्लंडर। अब उसके बाद यहाँ पे ययाति फाइनली ये डिसाइड करता है कि मैं क्या करूंगा, मैं पुरु को उसका युद्ध वापस कर दूंगा। और इस तरीके से वो पुरु को उसका युद्ध वापस कर देता है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ चित्रलेखा। और यहाँ पे ये दिखाते हैं कि अब यहाँ पे पुरु पैलेस में अपने रूप पे वापस आ रहा है, लेकिन उसकी बिलवेड ब्यूटीफुल ब्राइड की डेथ हो चुकी है। और इस तरीके से ये प्ले यहाँ पे खत्म हो गया है। तो आई एम श्योर कि आपको ये प्ले बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स है, आप अपना कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिमूव योर प्रॉब्लम एंड टिल नाउ आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। टिल नाउ बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।